हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एग्जाम भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैपे टास्क कवर करना है। और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा विजन जो टेस्ट पेपर इस बार सॉल्व कराने जा रहे हैं। विजन हम देखिए संडे को 10 बजे आप लोगों के लिए विजन टेस्ट सीरीज 2023 जो पीटी दे रहे हैं उन लोगों के लिए सॉल्व करा रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे गए हैं तो वो हम आपको बता देंगे, जिससे आप लोग उनको रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा मजा आएगा टेस्ट पेपर लाइव सॉल्यूशन में। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो रविवार, प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर टेस्ट पेपर आप लोगों को सॉल्व कराया जाता है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंप्रूव और एनहांस कर सकते हैं। और ये जो टास्क है बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा व्यवस्थित रूप से आप लोग कर सकते हैं। और ये टास्क सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपको आपकी तैयारी का 42वां दिन देखने को मिलेगा, और आज है वो 26 अगस्त आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आपका आज नया टास्क है, यानी कि टास्क नंबर 14 है वो आपको दिया जा रहा है। ओके, क्योंकि जब भी हम नई एनसीईआरटी देते हैं तो यहाँ पर टास्क नंबर चेंज हो जाता है। जैसे कि आप लोग बहुत समय से टास्क को फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग सभी लोग जानते होंगे इस बात को। तो देखिए आज आपको यहाँ पर 12th क्लास की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है, मतलब इतिहास की है, वो आपको पढ़नी है। तो देखिए हिस्ट्री की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है ना, तो 12th क्लास में हिस्ट्री की 3 एनसीईआरटी दी रखी है। इंडियन हिस्ट्री की आपको देखने को मिलेगी, देखिए ये पार्ट नंबर फर्स्ट देखने को मिलेगी, पार्ट नंबर सेकंड देखने को मिलेगी, और पार्ट नंबर थर्ड देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट है वो प्राचीन भारत है, मतलब एशियंट हिस्ट्री देखने को मिलेगा। जो दूसरा है, पार्ट नंबर दूसरी देखने को मिलेगी हिस्ट्री की एक बुक, तो वो आपको देखने को मिलेगी मध्यकालीन भारत। तो इसी तरह से तीसरी है वो आधुनिक भारत की आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए पार्ट वन जो एशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत है, वो आपको पढ़नी है यहाँ पर, जिसका नाम है द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन के नाम से आपको देखने को मिलेगी। इसके आज आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। देखिए आपको पहला और दूसरा आपको पढ़ना है। देखिए ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपको संबंधित देखने को मिलेगा, और फिर दूसरा है ये अर्ली स्टेट और अर्ली इकोनॉमी से आपको रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली आपको एनसीईआरटी देखने को मिलेगी। अगर जो लोग इसके नोट्स बनाना चाहते हैं वो डेफिनेटली इसके नोट्स बना सकते हैं। वैसे तो हम कहते हैं इसके नोट्स बनाना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपके पास में समय का अभाव है, जैसे आप जॉब करते हैं या फिर आपके पास में घर की जिम्मेदारियां हैं, फिर और कोई भी जिम्मेदारी है, या फिर अन्य किसी कारणवश अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम आपको जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको ये सारी चीजें कवर करा देंगे, वहां पर आपको नोट करा देंगे। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप लोग बिल्कुल भी आलस मत दिखाइएगा, इसके नोट्स जरूर से जरूर बनाइएगा। ये हमारा आप लोगों के लिए सुझाव है। ओके, और वैसे तो आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं, आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा आपको क्या करना है आज। तो देखिए यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन देखिए आज हम आपको टास्क का रिवीजन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज आपको 2 प्रकार के रिवीजन है। एक तो आपको अपनी मैपिंग लोकेशन जितनी भी अभी तक हमने दी है सभी की सभी आपको रिवाइज करनी है। जैसे हमने पहले आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया और साथ में अफ्रीका की भी बहुत सारी लोकेशन है वो हम आपको कवर करा चुके हैं। इन सभी को आप लोगों को कवर करना है, मतलब एक तरह से रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है, आपको सरसरी निगाहों के साथ में, तेजी के साथ में फास्ट रिवीजन करना है, कम से कम 2 से 3 बार। मतलब सारी लोकेशन को देखिए 2 से 3 बार, और फिर उनको देखिए कि ये लोकेशन कहाँ पर है, याद आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। तो जैसे हम आपको बताए थे ना किस तरह से घूमा जाता है, उसी तरह से आपको समझ लीजिए, एटलस खोलिए और उसको घूमने का प्रयास करिए, और देखिए कौन कौन सी लोकेशन मुझे आ पा रही है, नहीं आ पा रही है। तो देखिए फिर से प्रैक्टिस करिए, कम से कम 3 से 4 बार आप लोगों के लिए फास्ट रिविजन कर लेना है। इसके अलावा देखिए एक और आपको रिविजन दिया जा रहा है। देखिए इकोनॉमिक्स की आपको क्लास नंबर 2 जो हम आपको पढ़ाए थे वो क्लास नंबर 2 आप लोगों के लिए रिवीजन कर लेना है। और जिन लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स हमारा नहीं पढ़ा है, जो हमने क्लासेस दी थी, हो सकता है बहुत से लोग हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, रिसेंटली सब्सक्राइबर हैं, वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, आप लोग इतना सारा प्यार दिखा रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो देखिए जो लोग अभी रिसेंटली हमसे जुड़े हैं, अभी इस टास्क को अभी फॉलो करना स्टार्ट किए हैं, तो उन्हें इकोनॉमिक्स का रिवीजन नहीं करना है। आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस कवर कर लेना है इसकी जगह पर। ओके, तो इकोनॉमिक्स की क्लासेस डेली एक देखिएगा तो आपके लगभग 40 दिनों में कवर हो जाएगी, आराम से कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक क्लास आईआर की कीजिए, दूसरी क्लास आप लोग रिवीजन की कीजिए। इसके अलावा देखिए आज का न्यूज़पेपर है वो आपको पूरा पढ़ना है, पूरे से तात्पर्य ये नहीं है लाइन बाई लाइन पढ़ना है, जैसे कि हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ना है। ये कैसे पता चलेगा तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका लिंक दे देंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे वीडियो का,
वो हमारे YouTube चैनल पे नहीं पड़ी हुई है, वो दूसरे पे पड़ी हुई है कॉपीराइट की वजह से, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम लाइव क्लासेस की बात करें तो शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए IR की क्लास आकर के ज्वाइन करने हैं, जिसमें हम भारत चीन संबंधों पर हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और आप लोगों को मजा भी आ रहा है काफी, स्टोरी के साथ में हम आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा देखिए, विजन टेस्ट पेपर इस संडे को सुबह 10 बजे हम विजन टेस्ट पेपर जो 2023 का PT देना चाहते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज है, वो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। टेस्ट नंबर 2 है वो इस बार सॉल्व कराया जाएगा। देखिए अभी 6 टेस्ट पेपर आ चुके हैं आप लोगों के, इस बार पूरा का पूरा एक बार में पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व करा देंगे, यानी कि अब हर बार में एक पूरा टेस्ट पेपर एक बार में सॉल्व कराया करेंगे, लगभग 2.5 से 3 घंटा लगा करेगा, लेकिन पूरा फिनिश किया करेंगे। ओके, तो देखिए अच्छे से एक्सप्लेन करके इंटरलिंक करके आप लोगों को समझाया जाता है। तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए पॉलिटी का आपको टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए ये आपको जो टॉपिक दिए रखे हैं ये टॉपिक आप लोगों को रिवाइज कर लेने हैं, और देखिए रेफरेंस के रूप में देखिए 11th क्लास की जो NCERT है वो आपको पढ़नी है, और अगर आप रेफरेंस के रूप में जो भी चीज यूज करते हैं, अगर आप नोट्स यूज करते हैं, बुक्स यूज करते हैं, बुक कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं आप इंडियन जो इंडियन पॉलिटी के लिए M. लक्ष्मीकांत ही यूज करते हैं, हो सकता है आप दूसरी यूज करते हो, तो जो भी आप DD वसु या फिर जो भी परीक्षा वाड़ी या फिर जो भी आप लोग यूज करते हैं, इंग्लिश वाले हो सकता है दूसरी यूज करते हो, तो आपको वो आपको पढ़ लेनी है। ओके, तो परेशान नहीं होना है आप लोगों के लिए कि नहीं अब लक्ष्मीकांत ही हमको पढ़ना है, लेकिन हम तो पढ़े हैं परीक्षा वाड़ी से या फिर महेश कुमार बड़वाल से या फिर किसी भी कोचिंग की जो बुक हमें प्रोवाइड कराई थी हम उससे पढ़ते थे, तो आपको क्या करना है उसी से ही पढ़ना है। ओके, लिमिटेड सोर्स रखना है लेकिन मल्टीपल टाइम्स को रिवाइज करना है, जैसे कि हम आपको बताते हैं तो अच्छे से। और साथ में देखिए यहाँ पर फरवरी 2022 का जो करंट अफेयर है वो भी इसमें पूछा जाएगा, वो हम आपको पढ़ा देंगे। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए अफ्रीका की मैपिंग लोकेशन भी कुछ दी जा रही है, उन्हें भी आपको देखना है। तो देखिए जहां पर हमने कल स्किप किया था, देखिए तो आपको देखिए यहाँ पर नामीबिया देखने को मिलेगा, तो देखिए ग्रेट नामालैंड इधर आपको देखने को मिलेगा, और इधर इधर नाबीव डेजर्ट था वो हम, तो ये नाबीव डेजर्ट और ग्रेट नामालैंड तक हम आपको पढ़ा दिए थे यहाँ पर अफ्रीका की लोकेशन, मतलब पढ़ाए नहीं है, बस हमको लोकेशन देते हैं, अभी मैपिंग क्लासेस चलेंगी सब विस्तार में आप लोगों की, बस अभी तो लोकेशन देखना होता है। तो देखिए इस नाबीव के अंदर ही ये दोनों लोकेशन देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पर दमारालैंड, तो ये नाबीव है ना, तो यहाँ पर आपको दमारालैंड देखने को मिलेगा, और जो नाबीबिया है इसी के नॉर्थ में मतलब उत्तर में आपको यहाँ पर जो ओबेम्बो है, तो ओबेम्बो आपको देखने को मिलेगा, ओबेम्बो लैंड है वो यहाँ पर, इस तरह से ओबेम्बो लैंड देखने को मिलेगा। तो देखिए पहली लोकेशन यहाँ पर मैं साइड साइड जाता हूँ, दूसरी लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, फिर देखिए बी प्लेट्यू यहाँ पर आपको इस तरह से बी प्लेट्यू देखने को मिलेगा, ये तीसरी लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चौथी लोकेशन है लोअर गिनी आपको देखने को मिलेगा, जिसको निम्न गिनी के नाम से जानते हैं, तो देखिए ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना यही क्या है, लोअर गिनी के नाम से जाना जाता है। फिर आपको देखिए कांगो बेसिन देखने को मिलेगा, ये क्या है कॉन्गो बेसिन आपको ये देखने को मिलेगा, और फिर इसी तरह से देखिए जो एडमामा हाईलैंड है, तो देखिए एडमामा हाईलैंड कहाँ पर है, तो एडमामा हाईलैंड आपको देखिए ये वाला जो है ये एडमामा हाईलैंड आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसी के नीचे आप लोग आएंगे तो ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर एक देखने को मिलेगा, देखिए जिसको माउंट कैमरॉन के नाम से जानते हैं, तो देखिए इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अपर गिनी, देखिए ये क्या है ये लोअर गिनी है, देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर दिखे, तो देखिए ये क्या है ये लोअर गिनी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, और ये क्या है ये आपको अपर गिनी इस तरह से देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये अपर गिनी है। और फिर देखिए अपर गिनी के बाद में देखिए यहाँ पर जो निम्बा है, निम्बा लोमा और फुलटा, तो ये तीनों है वो इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ पर निम्बा देखने को मिलेगा, यहाँ पर लोमा देखने को मिलेगा और यहाँ पर फुलटा देखने को मिलेगा, तो ये तीनों इस तरह से क्रम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इनको अच्छे से आप लोग लोकेट करिएगा, और हमने आपको सारी लोकेशन बता दी है, फिर भी आपको अपने एटलस में खोजना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही बना ले और अंदाज से लिख ले, नहीं आपको क्या करना है अपने एटलस खोलिएगा, उसमें देखिएगा, थोड़ा सा उसको निहारिएगा, वैसे तो आप लोग और चीजों को भी निहारते होंगे, थोड़ा सा एटलस को भी निहार लिया करिए, तो एटलस को आपको निहारना है, और निहारने के बाद आपको एक मैप बनाना है हाथ से प्यार सा, और मैप बनाने के बाद में आपको लोकेट कर लेना है जो भी लोकेशन आज की आपको दी जा रही है। ओके, जो कि काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, और आपकी शाम को क्लास चलेगी भारत भारत चीन संबंध IR पर, सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिएगा करके, शाम को 6 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और जो ये टास्क सुबह 6 बजे आपको
सुबह 6 बजे नहीं, सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए डेली टास्क दिया जाता है। इसमें हम इस तरह से सारी एनसीईआरटी वन बाई वन कवर करेंगे और बहुत ही कम बर्डन के साथ में आप लोग इसको कवर कर लेंगे। और देखिए, केवल एनसीईआरटी आपको नहीं दिया जाता है, आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दिया जाता है, मैपिंग भी कवर कराया जा रहा है, रिविजन भी करने के लिए दिया जाता है, करंट अफेयर भी प्रिपेयर कराया जा रहा है, और इसी के साथ में आप लोगों का टेस्ट पेपर सोल्यूशन भी कराया जा रहा है। शाम को आप लोगों की आईआर की क्लासेस भी चल रही है, आईआर की क्लास चल रही है लेकिन इकोनॉमिक्स को रिविजन करने के लिए दिया जा रहा है। ज्योग्राफी आप लोगों के लिए पढ़ा दिया गया, तो ज्योग्राफी का भी रिविजन करने के लिए दिया जाता है। तो टास्क में हम लोग ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट है वो कवर कर चुके हैं, जो लोग जुलाई से इस टास्क को फॉलो कर रहे होंगे, तो ज्योग्राफी भी आप लोग रिविजन कर रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के साथ हम लिंक कर रहे हैं आईआर को। आप लोग देख रहे हैं ना इंटरलिंकिंग, देखिए हिस्ट्री पढ़ते और हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप देखते हैं हिस्ट्री के साथ में हम आईआर पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे ज्योग्राफी को हम पढ़ने के लिए दे दिए थे और उसी समय हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, तो जियो इकोनॉमिक्स के साथ में आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजों को कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे। और साथ में पॉलिटी का आप लोगों का एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व कराया जा रहा है। तो देखिए इंटीग्रेटेड स्टडी, स्मार्ट स्टडी हम लोग इसी तरह से कर रहे हैं, हर चीजों को हम हर टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक सब कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों के लिए। और जो लोग अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने इस बार ऐप पर नहीं पढ़ा रहे हैं, इस बार आप लोगों के लिए यूट्यूब पर ही पढ़ा रहे हैं, तो आकर के आप लोग ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज 3 बजे वाली क्लास है, अभी कुछ दिनों से नहीं चल रही है, तो इस वीक में हम बंद ही कर देते हैं, मतलब अगले वीक में मंडे से आप लोग की स्टडी कर देंगे, ओके, क्योंकि अब 1-2 दिन बचा है, कोई बात नहीं। इसके अलावा देखिए 6 बजे वाली क्लास है, आकर के आप लोगों को ज्वाइन करना है। और देखिए ये सारी क्लासेस हैं वो देखिए आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 4th बैच दिया रखा है यूपीएससी आईएएस बैच से, देखने को मिलेगा यहाँ पर सारी के सारे लेक्चर पड़े हुए। इसी तरह से आप दूसरे कोई लेक्चर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी सारी इस तरह से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जाकर के आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और हम किस तरह से सारी क्लासेस को कवर करेंगे, कितनी क्लासेस, कितने घंटे क्लासेस, तो वो यहाँ पर साफ विस्तार में इसकी जानकारी दी गई है। मैं थोड़ा सा साइड से हट जाता हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जिन लोगों ने 1 वीक से पहले जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था उन सभी के सभी के आई कार्ड बन गए हैं, तो आप लोग देखिए हम इसमें सभी नाम नहीं डाल पाए, मतलब बहुत ज्यादा नाम हो गए हैं तो इस वजह से नाम नहीं डाल पाए, तो जितने भी इसमें आपको नाम दिख रहे हैं वॉइस के, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मतलब जिनका हम नाम नहीं डाले हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये पुरानी देखने को मिलेगा, 1 महीने से यही नाम चल रहे हैं, तो अगर इनमें अगर आपका नाम है तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे आपका आई कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। और जिन लोगों ने 1 वीक से पहले फॉर्म फिल किया था वो भी हमको अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ में मैसेज कर दीजिए, आपको आपका आई कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जिनने इस वीक में अगर फॉर्म फिल किया तो वो लोग मैसेज ना करें, अभी उनका आई कार्ड नहीं बना, क्योंकि हम 1 हफ्ते के बाद में आप लोग के आई कार्ड बनाते हैं, आई कार्ड कैसे बनता है तो ये वाली वीडियो जाकर के देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। और ना मिले तो मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहे आप लोगों के लिए, हम वैल्यूएबल कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लाते हैं।